अल्लाह कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं खैर से होंगे सो so, आज हम बनाने वाले हैं केक का रेसिपी जो कि बिल्कुल इजी तरह से हम बनाने वाले हैं जो हम आपको बताएंगे मेजरमेंट और जो नहीं है मेरे पास इन्ग्रीडियन उसका हम कैसे मेंटेनेंस करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे सो so, चलिए हम बनाना इस्टार्ट करते हैं मेरे पास इस तरह का कप है सो so, ये कप से हम ये हो गया आधा कप जिससे हम आधा कप से ले लेंगे दूध ये मेरे पास रूम टेम्परेचर का दूध है इसे हम ये एक कप आधा कप ले लिए हैं और इसे हम बॉल में डाल करके इसमें हम डालेंगे विनेगर ये बड़ा चम्मच से एक चम्मच हम विनेगर डालेंगे ये पूरा बड़ा चम्मच है तो ये विनेगर है विनेगर हम एक चम्मच डालेंगे आपके पास विनेगर ना हो तो आप इसमें लेमन का जूस एक चम्मच भर के डाल सकते हैं सो तो हम इसमें डाल के थोड़ा देर छोड़ने के बाद देखिए इसमें कैसा थिकनेस आ गया है ये इसे हम कहते हैं बटर मिल्क सो तो मेरा ये बटर मिल्क बन के तैयार अब इसमें जाएगा पीसी हुई चीनी जो कि एक कप है आप नॉर्मल सा चीनी को पीस लीजिए और ये कप से मेजर करके आप डाल दीजिएगा सो so, अब हम इसमें डालेंगे ये जो कप है ये फोर्थ वन फोर्थ कप है जो हम इससे लेंगे एक कप बटर ये हाफ कप है और ये वन फोर्थ कप है तो ये कप से हम लेंगे एक कप बटर आपके पास बटर ना हो तो नॉर्मल सा जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी आप डाल सकते हैं तो हम बटर को ये थोड़ा सा मेल्ट करके इसमें डाल दिए हैं हम वनीला एसेंस का इस्तेमाल इसमें नहीं करने वाले हैं हम इस्तेमाल करेंगे इसमें जो फ्लेवर अच्छा आने के लिए ये चम्मच से एक चम्मच इलायची का पाउडर तो हम एक चम्मच इलायची का पाउडर ले लिए ये पाउडर हम कैसे बनाए हैं इलायची को थोड़ा सा धूप में गर्म करके और इसे थोड़ा सा चीनी डाल के हम पीस लिए हैं मिक्सी ग्राइंडर में तो हम ये तैयार करके रख लिए देखिए ये कप से एक कप हम मैदा भर के ले लिए हैं ये वजन में देखिए तो डेढ़ सौ ग्राम होगा और इस तरह का छन्ना से हम छह सौ ग्राम है इस तरह का छन्ना तो छान के रसी नॉर्मल सा हम ये बना के करेंगे तैयार तो थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें जो मेरे पास दूध चीनी ये सब हम मेल्ट किए थे इसमें हम मैदा डाल दिए अब इसमें जो मैदा थोड़ा सा ये होने लगा था थिकनेस इसमें आने लगी थी तो मैं जो कप से से चीनी और दूध डाली हूँ उसी कप से एक कप और मैं दूध ले लूँगी तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध भी डालते गई और इसे मिक्स करते गए तो देखिए एक ही इसमें साइड से घुमाते जाना है आपको केक का बैटर को आपको कंटिन्यू इधर उधर से नहीं घुमाना है हम इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम इसमें डालेंगे इनो जो कि हर किसी के घर में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं होता है तो इसलिए हम इनो का इस्तेमाल कर रहे हैं इनो हर दुकान में मिल जाएगा हर घर में मिल जाएगा सो so, हम इस तरह से ये चम्मच से देखिएगा तो एक चम्मच भर के ये इनो है इस पर हम डाल दिए हैं थोड़ा सा दूध अब हम इसे एक ही साइड से घुमाते जाएंगे इधर उधर से नहीं घुमाना है एक ही साइड से इसे घुमाना है और इसे चला के ये देखिए कैसा इसका थिकनेस हो गया है बिल्कुल परफेक्ट सा मेरा ये बैटर बन के तैयार है सो तो अब हम बनाएंगे इस ये देखिए ये थोड़ा सा दूध बच गया है हम इसे बनाएंगे पतीली और कुकर में सो तो इस तरह का मेरे पास पतीली है जो कि इसका गहराई सात सात इंच का है तो हम इसमें तेल थोड़ा सा ग्रीस कर लिए हैं और इसमें मेरे पास ये बटर पेपर नहीं था टिश्यू पेपर था तो हम टिश्यू पेपर का एडजस्ट कर लिए आपके पास ये टिश्यू पेपर भी ना हो तो आप नॉर्मल सा जो घर में नोटबुक होता है वो पेपर भी आप लगा सकते हैं कोई बात नहीं बिल्कुल अच्छा बनेगा और हम ये चारों तरफ साइड में भी डालने वाले हैं टिशू पेपर जो कि हम चारों तरफ से तेल लगा दिए हैं फिर भी ये सही से नहीं बैठ रहा है कोई बात नहीं हम इसमें बैटर डालेंगे केक का तो ये परफेक्ट से बैठ जाएगा तो देखिए मेरा ये बैटर बन के तैयार है अब इसमें लेट नहीं करना है झटपट सा मुझे इसमें ट्रांसफ़र कर देना है अब हम इसे देंगे कुकर में जो कि मेरे ये जो पतीली है कुकर के साइज से बिल्कुल परफेक्ट है तो हम ये बनाने वाले हैं कुकर में कुकर को हम फ्री हीट कर लिए हैं लगभग 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम कुकर को रख दिए थे तो अब मेरा ये इस तरह का इसमें जो मेरे पास टूथपिक है इस तरह से थोड़ा सा हम घुमा लिए हैं और दो बार टाइप करके हम इसे रख देंगे कुकर में चलिए हम कुकर की तरफ चलते हैं तो कुकर का हम सीटी भी निकाल दिए हैं और रबर भी निकाल दिए हैं और कुकर ख़राब ना हो इसलिए हम कुकर में डाल दिए लगभग 200 ग्राम के आसपास नमक जो ये डालने से क्या होता है कुकर ख़राब नहीं कोई भी बर्तन ख़राब नहीं होता है और इसका हीट जो होता है ज़्यादा होता है इसलिए हम नमक डाल दिए हैं मेरा दो काम हो जाएगा जब तक मेरा कुकर ये केक बेग हो रहा है तब तक हम बनाएंगे क्रीम को अच्छे से फेंटेंगे ये क्रीम हम जो कप से दूध लिए थे ना इसी कप से हम लेंगे तीन कप क्रीम भर भर के तो आप इस तरह से साफ़ करके लीजिएगा तीन कप हम लास्ट का ये एक कप हम साफ़ करके ले लिए और दो कप पूरा साफ नहीं किए थे समझिए आधा आधा कप आया था मेरे ये प्याला में और आधा कप समझिए कप में ही लगा हुआ रह गया था क्रीम था इसलिए सो तो आप साफ करके लीजिएगा मेरा क्रीम ऑलरेडी कम हो गया था जितना केक था वैसे भी हम क्रीम बहुत कम खाते हैं इसलिए क्रीम कम ही का इस्तेमाल किए हैं आप लोगों को क्रीम ज़्यादा पसंद हो तो आप यही कप से पाँच कप क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा हम तीन कप का इस्तेमाल किए तीन कप से भी नहीं अगर पूरा हम साफ़ करके डालते तो दो ही कप होता सो देखिए अब हम इसमें फ्लेवर और कलर के लिए हम डाल देंगे ये जो फ्रूट कलर है ये मेरे पास फ्रूट कलर है जो हम इसमें लगभग आधा चम्मच डाल दिए हैं इससे कलर सही नहीं आया इसमें हम एक चम्मच और कलर डालेंगे तो इस तरह का मेरा देखिए कलर कितना परफेक्ट बन के तैयार है क्रीम का सो तो अब हम इसमें से आधा क्रीम निकाल लेंगे जो कि मुझे ऊपर से डेकोरेट करने का काम आएगा और एक बार केक को डबल लेयर हम करेंगे तो इसमें भी काम आ जाएगा क्रीम बहुत कम है और हम क्रीम कम का ही इस्तेमाल करने वाले हैं तो हम आधा इसमें से निकाल लिए हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खूबसूरत लगने के लिए डेकोरेट करने के लिए हम डाल देंगे दूसरा कलर ये कलर में डालने से क्या होता है हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी कलर कलर वाला ही क्रीम में हम डालेंगे स्ट्रॉबली स्ट्रॉबरी का कलर जो कि इसका कलर थोड़ा सा मिक्स होने के बाद दूसरा ही कलर आ जाता है बहुत स्टैंडर्ड कलर आता है देखने में अच्छा लगता है बिल्कुल स्टैंडर्ड बेबी पिंक से भी अच्छा लगता है कलर देखने में सो तो देखिए हम इसमें एक चम्मच के आसपास ये कलर डाल दिए हैं ये स्ट्रॉबेरी कलर है और पहले का जो कलर था उसका फ्लेवर पाइनएपल का था तो पाइनएपल और स्ट्रॉबेरी दोनों का फ्लेवर मेरे मुंह में आने वाला है सो ये केक का जो डेकोरेशन होगा आप डेकोरेशन पे नहीं जाइएगा फ्लेवर पे जाइए जो फ्लेवर आपको कितना अच्छा लगता है आप इस तरह से बनाइएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा केक का तो हम लोग बाज़ार से जो केक लाते हैं खाली क्रीम ही मुंह में आता है और केक मुझे मिलता नहीं है खाने के लिए जो अंदर में स्पॉन्जी सा रहता है ना केक जो कि के हम ब्रेड कहते हैं तो उसका मुंह में आता ही नहीं है स्वाद खाली क्रीम का स्वाद आता है तो हम इसमें क्रीम का बहुत कम इस्तेमाल किए हैं और हम जो स्वाद लेने वाले हैं सिर्फ अंदर का जो पाव है जो जिसे हम ब्रेड भी कहेंगे केक मतलब उसका स्वाद ही हम लेने वाले हैं सो तो देखिए मेरा केक तो बन रहा है साइड में मेरा क्रीम भी तैयार हो रहा है तो देखिए मेरा क्रीम बन के हो गया है तैयार अब इसे हम कर लेंगे पाइपिंग बैग में सो तो देखिए इस तरह का कितना अच्छा कलर आया है आप पाइन का कलर में इस तरह का कलर स्ट्रॉबेरी का डालिएगा तो बिल्कुल हल्का सा कलर आएगा और देखने में इतना खूबसूरत लगेगा तो केक सजने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है देखने में तो मेरे पास इस तरह का नॉर्जल है तो हम ये सब इतना हम पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मुझे कुछ तामझ हम करना नहीं है बिल्कुल हल्का फुल्का सा केक को डेकोरेट करना है तो हम कोई सा भी एक हम ले लिए हैं इसमें नोरजल और ये पाइपिंग बैग में और हम इसमें क्रीम भर देंगे क्रीम भरने के बाद आप चाहें तो ऊपर से रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें कुछ और अलग कलर आने के लिए कहीं कहीं से दो चार बूंद का स्ट्रॉबेरी कलर और डाल दिए हैं ताकि ये कलर जो कहीं कहीं पे थोड़ा सा गाढ़ा सा आ जाए तो अच्छा लगे देखने में स्टैंडर्ड सा कलर सो हम ये केक बनाए हैं आज थर्टी फर्स्ट है इसलिए हम बनाए थे और दूसरी बात हम नया साल मनाते नहीं हैं मेरे बच्चे लोग को स्कूल में मिला था इनाम जो कि फूड फेस्टिवल का इनाम मिला था वो मेरी बेटी को वो बनाई थी घीवर सॉरी वो नहीं बनाई थी बना के तो हम ही दिए थे सो so, देखिए ये मेरा बनके तैयार है केक पूरी तरह से अब मेरी बेटी साइड से बोल रही है मम्मी पूरा अंदर दबा के दो टूथपिक ताकि समझ में आए अंदर से पका है या नहीं तो हम अंदर से दबा के दिए टूथपिक को तो बिल्कुल परफेक्ट सा बन तैयार है मेरा ये केक तो हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए कम से कम पंद्रह से बीस मिनट तक छोड़ देते हैं तो देखिए इसमें नमक डालने का रीज़न ये है मेरा कुकर कहीं से भी कुछ दाग धब्बा कुछ खराब नहीं हुआ है बिल्कुल अच्छा है मेरा कुकर तो इसलिए हम नमक डाल दिए थे तो केक को हम थोड़ा होने नहीं देते ठंडा सो मेरा केक हो गया है ठंडा अब हम इसे निकाल लेंगे बिल्कुल देखिए कितना इजी सा खुद ब खुद निकल जाएगा देखिए और कितना परफेक्ट मेरा कुकर ऊपर से बन के तैयार है सो तो थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा तो देखिए मेरा ये चारों तरफ से हम ये टिश्यू पेपर जो लगाए थे वो हम अब निकाल देंगे बिल्कुल ईजली ये निकल जा रहा है कोई टेंशन नहीं है आप अगर सादा पेपर भी लगाइएगा वो भी बिल्कुल ईजिली इसी तरह से निकलेगा क्योंकि हम घर में बनाते हैं नॉर्मल सा केक तो पेपर ही डालते हैं ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करते हैं कोई भी अपने चीज़ों का और ना ही पैसे का सो तो जो भी हम कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम बचा के रखें देखिए मेरा केक कितना परफेक्ट तैयार हो गया है आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ तो हम अब बीच से इसे डबल लेयर करने के लिए हम कट कर लेते हैं उसके लिए हम करेंगे ये धागा का इस्तेमाल तो ये धागा हम लगभग दो मीटर का ले लिए हैं और ये धागा से हम इस तरह से कट कर लेंगे तो मेरा केक बीच वो बीच बिल्कुल परफेक्ट कट के तैयार है देखिए अब हम इस पर डबल लेयर करेंगे साइड से जो ब्राउन है इसे हम निकालेंगे नहीं केक का मुझे जो मुंह में आता है ये ब्राउन कलर यही मुझे बहुत पसंद है और मुंह में एकदम अच्छा लगता है आने के बाद खाने मतलब केक का स्वाद समझ में आता है जो हम केक खा रहे हैं बाज़ार से जो लाते हैं केक का तो बिल्कुल स्वाद नहीं समझ में आता सिर्फ स्वाद समझ में आता है तो खाली क्रीम का इसलिए हम कभी भी खाने का दिल होगा ऐसा नॉर्मल सा तो हम घर में ही बना लेते हैं तो सोचे आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं सो so, देखिए हम किस तरह से क्रीम फैला लिए हैं एक लेयर में बिल्कुल कम क्रीम का इस्तेमाल किए हैं अब हम ऊपर से बाकी का लेयर लगा के इसे हम डेकोरेट कर लेंगे जैसा कि हम आपको बताए थे फूड फेस्टिवल में, में मेरी बेटी का अच्छा रैंक आया था तो रैंक किस पे आया था हम बनाए थे घेवर जिसका रेसिपी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में होगा आप लोग जाके फटाफट से देख लीजिएगा उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया था मेरी बेटी का स्कूल में तो उसको इनाम भी मिला था उसका भी चैनल है सादिया विंदास सादिया ब्लॉग तो उस पर भी होगा आप लोग जाकर के फटाफट से देख लीजिएगा बिंदास सादिया ब्लॉग में उसका है ये सारा चीज़ बताया गया है स्कूल में उसको क्या इनाम मिला था वो क्या ड्रामा की थी वो सब उसके चैनल पे है सो देखिए हम कैसा रेसिपी बनाएं जो कि स्कूल में सर लोग भी खाए थे वो लोग भी बहुत तारीफ़ किए बहुत अच्छा लगा और इनाम भी मिला तो आप लोग समझ सकते हैं हम कैसा रेसिपी बनाते हैं जो भी हमसे गलती होता है वो भी हम आपको बताते हैं जो नहीं है और कैसे एडजस्ट करना है वो भी हम आपको बताते हैं तो देखिए केक फाइनली हम डेकोरेट कर चुके हैं और आप देख ही लिए हैं किस तरह से हम डेकोरेट किए हैं बिल्कुल कम क्रीम का इस्तेमाल करते हुए ये गोल्डन बाउल हम ऊपर से चिपका दिए हैं और गोल्डन कलर का मेरे पास खाने का चमकी था जो चमचमी उसे हम ऐसा फूक मारते मारते चारों तरफ से केक पे फैला दिए हैं और इसका पापा का मेरी बेटी का पापा का है बर्थडे जो कि एक जनवरी को है तो हम लोग बर्थडे मनाते नहीं मतलब इसका पापा को बर्थडे पसंद नहीं है तो वो बर्थडे मनाएंगे नहीं लेकिन ये केक खाएंगे क्योंकि टारगेट कुछ और है मेरी बच्ची का गिफ्ट मिला इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ पापा।